दुनिया में आज देखिए, क्या बुरुंडी की सरकार अपने विरोधियों को मारने के लिए चला रही है यातना गृह? बुरुंडी की सुरक्षा एजेंसियों पर राष्ट्रपति के विरोधियों को टॉर्चर करने के लिए खुफिया यातना गृह चलाने का आरोप, बीबीसी की खास इन्वेस्टिगेशन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बुरुंडी पर बीबीसी की स्पेशल रिपोर्ट के अलावा कार्यक्रम में आज तबाही की ओर बढ़ते यमन में क्या होगी शांति, अमन बहाली के लिए स्वीडन में सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच बातचीत जारी। वो देश जहां मर्दों के अपराध की सजा उनके परिवार की औरतों को दी जाती है, बीबीसी की 100 वेमेन सीरीज की अगली कड़ी। और मिलाएंगे आपको रातों रात शोहरत हासिल करने वाले पाकिस्तान के एक लोक गायक से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है आज बीबीसी दुनिया में। आज बुलेटिन की शुरुआत यमन से, जहां लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध के बाद अब अमन की उम्मीद जगी है। इसके लिए स्वीडन में शांति वार्ता चल रही है। इस वार्ता में यमन की सरकार और हूथी विद्रोही हिस्सा ले रहे हैं, जो पिछले 2 सालों में पहली बार मिल रहे हैं। दोनों पक्षों को साथ लाने में संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। सालों से गरजती बंदूकें, मरते बेगुनाह, खंडहर में तब्दील इमारतें और भूख से तड़पते बच्चे, यमन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बीमारी और लड़ाई रोजाना यहाँ के बच्चों की जान ले रही है। लड़ाई के 3 सालों ने यमन से उसका बहुत कुछ छीन लिया है, और अब उम्मीद की हल्की सी किरण दिखी है स्वीडन में। हजारों लोगों की मौत के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हूती विद्रोही और यमन सरकार के नुमाइंदे आमने सामने बैठकर शांति की बातें कर रहे हैं। जो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो अब यहाँ लड़ाई खत्म करने की दिशा में कोशिश कर रहे हैं। यमन का भविष्य इस कमरे में बैठे लोगों के हाथ में है, और हमें फौरन कदम उठाने होंगे, वरना यमन हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यमन की इस खूनी जंग में सऊदी अरब और ईरान जैसे दुश्मन भी हैं, जो हमेशा से बात तो शांति की करते रहे, लेकिन एक दूसरे पर बम बरसाते रहे। यमन की राजधानी सना में लोगों की निगाहें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। इस व्यापारी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि स्वीडन में चल रही ये शांति वार्ता कामयाब होगी, लेकिन हमारी स्थिति कितनी बदलेगी ये नहीं कहा जा सकता। इस औरत के मुताबिक सबके लिए एक राहत भरी खबर आने वाली है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रही है कि यमन के लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होगी। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि इस बातचीत से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन तबाही की ओर बढ़ रहे यमन में शांति की एक छोटी सी कोशिश भी बड़े मायने रखती है। अब खबर बुरुंडी से, जहां के पूर्व खुफिया अधिकारी ने कहा है कि वहां सुरक्षा एजेंसियां विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए खुफिया टॉर्चर और यातना गृह चला रही हैं। साल 2015 में राजधानी बुजुम्बुरा में राष्ट्रपति नुकुरुनजीजा के तीसरे बार राष्ट्रपति बनने के खिलाफ प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार ने मानवाधिकार हनन के आरोपों को नकारा है और इस खबर पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। कुछ महीने पहले तक ये शख्स बुरुंडी की खुफिया सेवा में कार्यरत था। हमने एक गुप्त जगह इसका इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि हो सकता है कि बुरुंडी एक शांत देश लगता हो, लेकिन सुरक्षा बल अभी भी लोगों को बड़ी संख्या में टॉर्चर करने के बाद मार रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश अब सुरक्षित है, और इस बात का फायदा उठाकर वे लोग इन हत्याओं को अंजाम देते हैं, ताकि बाकियों को पता भी न चल पाए। वो उस खुफिया ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिसका वो हिस्सा थे और जिसमें गुप्त यात्रा गृह थे। हमने बुरुंडी की राजधानी में एक घर की जांच की, जो दिसंबर 2016 में सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में दिखा था। कुछ ने कहा इसे गुप्त जेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे तुरंत पुलिस ने नकार दिया। हमने घर के मालिकों का पता लगाया
और उनके पास मौजूद तस्वीरों से रिसर्च एजेंसी फॉरेंसिक आर्किटेक्चर ने ये मॉडल बनाया। फिर हमने खुफिया सेवा के अधिकारी का पता लगाया जो इस जगह को पहचानता है। उसने कहा कि घर एक यातना गृह में तब्दील हो चुका है जिसे अलेक्सेंडाई केन गुरु किए उर्फ नकोरोका नाम का शख्स चलाता है। एजेंट ने कहा कि वीडियो आने के समय के आसपास उसने कुछ लोगों के सर कलम होते देखे। उस वक्त तीन लोगों को इस घर में लाया गया था और उन्हें उस कमरे में रखा गया था। अगली रात एक इंटेलिजेंस एजेंट आया जो उन्हें उस यातना गृह से निकाल कर लिविंग रूम में ले गया। वो नकोरोका था। उसने गार्ड्स को इनका सर कलम करने का आदेश दिया। हमने इन आरोपों के बारे में बुरुंडी की सरकार से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। एक और शख्स ने कहा कि इस कथित हत्या के दौरान उसे उसी घर में कैद किया गया था। हम लोगों की चीख पुकार सुन पा रहे थे। वो कह रहे थे इन कुत्तों को पकड़ो, भागने नहीं दो, नहीं तो तुम इसकी सजा पाओगे। आखिरकार जब उन्हें पकड़ लिया गया तो मैं उनकी चीखें सुन पा रहा था जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मारा जा रहा है। निशाना बनाए गए लोगों में से ज्यादातर वो लोग हैं जिन पर आरोप था कि वो राष्ट्रपति नकुरुनजीजा के तीसरे बार राष्ट्रपति बनने का विरोध कर रहे थे। आज राजधानी की सड़कों पर ये प्रदर्शन नहीं दिखते पर जिन एजेंट से हमने बात की वो कहते हैं कि माहौल पहले जितना ही खतरनाक है। विरोधी इन गुपचुप तरीके से की जाने वाली हत्याओं को कैमी कैमी कहते हैं जिसका मतलब होता है एक के बाद एक कत्ल करना। और अब वक्त है बीबीसी की खास 100 वुमेन सीरीज की और आज बात उन महिलाओं की जिन्हें अपने पुरुष रिश्तेदारों के किए की सजा भुगतनी पड़ती है। मर्दों के किए की सजा उनके घर के उन महिलाओं को देना जो निर्दोष हैं। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में कई बार स्थानीय पंचायतें इस तरह के अजीबोगरीब फैसले देती रही हैं, लेकिन अफ्रीकी देश मेडागास्कर में तो कोर्ट इस तरह के आदेश देती है। बीबीसी को वहां की एक जेल जाने का मौका मिला जहां अपने परिवार के किसी मर्द के किए के अपराध के लिए कई महिलाएं सालों से कैद हैं। ये मेडागास्कर की एक जेल है पर यहाँ कैद कई महिलाओं ने कोई अपराध नहीं किया बल्कि उन्हें उस अपराध की सजा मिल रही है जो इनके घर के मर्दों ने किया है। कुछ यहाँ महीनों से हैं तो कुछ सालों से, पर वो जिस मामले में सजा भुगत रही हैं उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। इनमें से 6 महिलाओं पर तो नन के रेप का इल्जाम लगा है। मुझे नहीं पता उन्होंने रेप करने के लिए एक औरत को क्यों गिरफ्तार किया है। अपने पति के बारे में तो नहीं जानती पर मैं रेप नहीं कर सकती। नन के रेप के इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें वो पुरुष तो थे ही जिन पर शक था, साथ ही उनकी पत्नियों और बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया। पहले तो वो मेरे पति को ले गए, फिर दोबारा आकर मुझे भी ले गए, कहा कि मैं सब जानती हूँ। मैं कहती रही कि मैं कुछ नहीं जानती पर पुलिस कहती रही कि मैं झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने 7 बार मेरी पिटाई की। मुझे उन महिलाओं के लिए दुख होता है जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। इन सबको उस अपराध की सजा मिली जो इन्होंने किया ही नहीं है। पर सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मेडागास्कर में जब किसी अपराध पर हो हल्ला होता है तो दबाव की वजह से एक ही अपराध के लिए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो भी बिना पुख्ता सबूतों के। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मेडागास्कर में ट्रायल से पहले इस तरह की गिरफ्तारियां आमतौर पर होती हैं। हमारी रिसर्च से पता चला है कि वहाँ पर पुलिस वाले तो ऐसा करते ही हैं। कोर्ट भी अक्सर 10, 20, 30 लोगों को एक ही अपराध के लिए एक साथ गिरफ्तार करने को सही मानती है। सोचिए आपकी माँ या बेटी को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाए और इस हालात वाले जेल में रहना पड़े जिसे यहाँ की महिलाएं नर्क जैसा मानती हैं, तो कैसा लगेगा। मेडागास्कर का न्याय विभाग इसका बचाव करता है। मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ट्रायल से पहले ही गिरफ्तारी बचाव के लिए ठीक है, नहीं तो वो भीड़ के न्याय का शिकार हो सकते हैं। हालांकि मर्दों के किए की सजा महिलाओं को देने के पीछे क्या तर्क है, मेडागास्कर का न्याय मंत्रालय इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो किसी और के किए की सजा महिलाओं को क्यों, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूरोप में सामने आए समंदर के अंदर के रहस्य और क्रिसमस के रंग में डूबी ब्रिटानी पीएम टेरेसा मे। तो दुनिया में अब भी बहुत कुछ है।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। अब बात पाकिस्तान के उस लोक गायक की जिसने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी है, जिगर जलाल। कुछ वक्त पहले तक गुमनामी की जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन कोक स्टूडियो के लिए गाए उनके एक गाने ने उनकी जिंदगी बदल दी। पाकिस्तान से रियाज सोहेल की रिपोर्ट। जितनी अभी इसी गाने में मिली है शोहरत, तो 25 सालों में इतनी शोहरत नहीं मिली। सही, मेरा नाम जिगर जलाल चांडियो, मैं 20-25 साल से गा रहा हूँ। मेलों में जाते थे हम, छोटा था बाबे के साथ और भाई साथ मेरे चलते थे। उस्ताद जलाल का जो गाना सुना था, मुझको भी ख्वाहिश हुई कि मैं भी गाना शुरू करूं, मुझको भी ऐसे पब्लिक देखे। ये तान है तो खान साहबों को साल लग जाता था शागिर्दों को सिखलाई में। ये उस्ताद जलाल को और हमको ये खुदा ने अता किया है। इंडिया की तर्ज भी गाते हैं या पाकिस्तानी मैडम नूरजान के गाने होते हैं, मेहदी हसन के होते हैं, गुलाम अली के होते हैं, इस गाने के तर्ज पे हम सिंधी बना लेते हैं। ओ दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, सिंधी में मैं तुमको सुनाता हूँ। ओ तू जो तस्वीरों सी मिठड़ा रोजी दी दो हाँ, पहजे सीने ते हनी हथड़ा रोई दी दो। फिर आशिक क्या करे तो बा। ये हमारा स्टाइल है सिंध का, जैसे मेरा बाजी वाला जो है तो उसको बोलते हैं उस्ताद बाजे वाला, ये आशिक क्या कह रहा है, आशिक अब क्या करे, तो वो जवाब देगा बाबा बस तोबा है। ओ को कोरीना, ओ को कोरीना। तो शोहरत की बुलंदियों तक पहुंची एक आवाज, और ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देश 60 के दशक से एक दूसरे को समंदर के जरिए बिजली भेज रहे हैं। हाल ही में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच हुए करार के बाद इंजीनियर समंदर के अंदर केबल बिछा रहे हैं, और इस दौरान उन्हें कई दिलचस्प बातें पता चली। ये वो वक्त है जब रॉयल नेवी की बम डिस्पोजल टीम ने समंदर के अंदर एक पुरानी जर्मन खदान को उड़ाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन की टीम तारे लगाते वक्त ऐसे करीब 1200 खदानों से होकर गुजरी थी। 140 किलोमीटर तक फैली दो केबल बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच बिजली पहुंचाने का काम करेंगी। ये तांबा है जिसके जरिए बिजली पास करेगी। ये बिल्कुल वैसा ही कॉपर है जो हमारे घर के तारों में मौजूद होता है, बस ये थोड़े बड़े होते हैं। जमीन के अंदर पानी में मौजूद रेत बहुत तेजी से बढ़ती है जिससे बिजली पैदा होती है, लेकिन पानी के अंदर देख पाना मुश्किल होता है। इसलिए हमारे पास गोताखोर होते हैं जो कि पानी के 50 मीटर अंदर तक जाकर काम करते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है। पिछले 3 सालों से और लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में अब तक सारी तारें पूरी तरह से लगाई जा चुकी हैं। यहाँ से इसे बाहर निकाला जाता है और बिजली को देश के पावर ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। पानी के अंदर की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेमो नाम के इस लिंक के रास्ते में कई मुश्किलें भी आई थीं। इस केबल का मुख्य उद्देश्य है बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना और सस्ती बिजली मुहैया कराना। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई राज सामने आए हैं जो सदियों से समंदर की गहराइयों में दफन थे। और सीबीआई पर चल रही खींचतान पर आज का कार्टून। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमेरिका में बना टेडी बेयर फेंकने का रिकॉर्ड। तो आगे देखेंगे बीबीसी ग्लोबल राउंडअप।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। और अब देखिए बीबीसी ग्लोबल राउंडअप और पहली खबर श्रीलंका से। श्रीलंका की सर्वोच्च न्यायालय आज राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के संसद भंग करने के आदेश पर अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अक्टूबर में सिरिसेना ने विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर महिंदा राजपक्षे को देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया था। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ने कनाडा में अमरीका की अपील पर हुई अपनी सीएफओ की गिरफ्तारी को अनुचित बताया है। कंपनी के मुताबिक मेंग वांगजो को कंपनी पर दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वांगजो की गिरफ्तारी पर क्या कहा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, आइए सुनते हैं। I can assure everyone that we are... मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और इस मामले में उचित अधिकारियों ने बिना किसी राजनीतिक दबाव के फैसले लिए हैं। Or interference, as must be the case. विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 13 लाख से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं, यानी हर 24 सेकंड में एक मौत। WHO ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जल्द कुछ करने की जरूरत बताई। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स का अगला नेता कौन होगा, ये आज साफ हो जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता आज हैमबर्ग में मर्केल का उत्तराधिकारी चुनने के लिए मिलने वाले हैं। मर्केल पिछले 18 सालों से क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी की नेता है। और इसके अलावा खबरों में है अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हायर नोआर्ट, जिन्हें अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के अगली राजदूत के तौर पर नियुक्त करने वाले हैं, उन्हीं की हेली की जगह लेंगे। इससे पहले फॉक्स समाचार चैनल में प्रेजेंटर और संवाददाता के तौर पर काम कर रही थी। और ये तस्वीरें हैं अमरीका आइस हॉकी लीग की, जहां मैच के दौरान दर्शकों ने टेडी बेयर फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। मैच के दौरान करीब 35,000 टेडी बेयर फेंके गए। विश्व प्रसिद्ध इस इवेंट में दर्शक टीम के पहले गोल पर टेडी फेंकते हैं, जिन्हें बाद में दान में दे दिया जाता है। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपने आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर क्रिसमस ट्री को रोशन किया, जिसके बाद टेरेसा मे ने बच्चों के साथ क्रिसमस कैरल भी गाया। और रूस की स्वेतलाना जब छोटी थी तो एक हादसे में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनका पूरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा, त्वचा पर जलने के निशान और उस पर साथियों के तानों ने जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन एक सोच ने उनकी जिंदगी दोबारा बदल दी। बीबीसी 100 वुमेन की अगली कड़ी में देखिए कैसे स्वेतलाना लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। दिखाएंगे आपको कल सोमवार शाम 5:30 बजे बीबीसी दुनिया में। तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।